आपने वो पॉपुलर कहावत तो सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और इस वक्त बॉलीवुड में जो अब्दुल्ला है वो कोई और नहीं, आमिर खान है। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनकर घूम रहे, मतलब इनकी फिल्म आने वाली है लाल सिंह चड्ढा। अपने लाल सिंह चड्ढा की प्रमोशन को छोड़कर ये ट्रिपल आर और साउथ वालों के साथ ज्यादा देखे जा रहे हैं। कभी ट्रिपल आर के प्रमोशन में देखे जा रहे हैं, कभी उसकी सक्सेस पार्टी में देखे जा रहे हैं, तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखे जा रहे हैं, जबकि इनकी वहां पर कोई भी जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या सेटिंग करके रखी है ये कोई नहीं जानता, या ऐसी सेटिंग हो चुकी है राजा मौली के साथ कि अगली फिल्म में इन्हें ले लिया जाए ताकि इनका भी स्टारडम और ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। जो इंसान किसी फिल्मी पार्टी में नहीं जाता था, फिल्मी अवार्ड शो में नहीं जाया करता था, वो अब सब कुछ कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे भी डर हो चुका है कि बॉलीवुड में जो हादसा लोगों के साथ हो चुका है, एक के बाद एक लोगों की बड़े बजट की फिल्में फ्लॉप हो रही है, जबकि वो फिल्में बेहतरीन थी, फिल्में चल जाती थी, आराम से चल जाती, लेकिन फ्लॉप हो रही है, लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। उसकी एक ही वजह है सुशांत सिंह राजपूत का मामला, जिसके बाद बॉलीवुड का बॉयकॉट शुरू हो गया। और रही बात आमिर खान की, तो आमिर खान की फिल्म का बॉयकॉट करने के बहुत सारे रीजन है। पहली बात तो बॉलीवुड बॉयकॉट का जो ट्रेंड चल रहा है वो अभी भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है जब तक तो बॉलीवुड पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाता है। दूसरा रीजन ये है कि आमिर खान जी जिन्हें और उनकी बीवी को ये डर लगता है कि इंडिया में रहना उनके लिए खतरनाक साबित है, तो इस वजह से भी बॉयकॉट हो रहा है। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है, इस फिल्म की हीरोइन जो है करीना कपूर खान, इन्होंने क्या कहा था कि हमारी फिल्म में देखने के लिए तुम्हें बुलाता कौन है, तुम दर्शकों को किसने बोला फोर्स करके कि जाओ हमारी फिल्म में देखो, तो इस वजह से भी बॉयकॉट हो रहा है। और अगर उसके बाद भी कोई फिल्म देखने जाता है तो उससे बड़ा इस दुनिया में बेवकूफ कोई नहीं होगा। तो इन्हीं सभी चीजों को लुभाने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ऊपर से आमिर खान ये सोच रहे होंगे कि राजा मौली के साथ चिपक कर रहने में बहुत बड़ा फायदा है, मैं अभी भी स्टार हूं, बड़ा स्टार हूं, नाम से जाना जाता हूं, लेकिन मैंने अभी तक ऐसी कोई फिल्म नहीं की है जिसके लिए मतलब बहुत दिनों तक मुझे याद किया जा सके। जैसे कि बाहुबली फिल्म बनी, उसकी बातें आज भी होती है, ट्रिपल आर उसमें जो कलाकारों ने काम किया उनका वाहवाही की बातें चल रही है, तो राजा मौली की फिल्म में जिसने काम कर लिया उसका स्टारडम अपने आप ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। तो आमिर खान भी इसीलिए चिपक कर रह रहे हैं राजा मौली के साथ कि उन्हें भी कोई बड़ा लीड रोल मिल जाए राजा मौली की आने वाली किसी अगली फिल्म में। तो अब आमिर को इसका कितना फायदा होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आमिर तो फिलहाल यही चापलूसी करने में लगे हुए हैं।